फर्टिलाइजर परिसर में 10,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं, यानी जनता के लिए खतरे की घंटी हैं। उन्होंने कहा, लाल टोपी वालों को तो बस लाल बत्ती से मतलब है तथा इनका जनता से दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं, तथा ये लोग लोहिया और जयप्रकाश के आदर्शों को तो लोग ना जाने कब का छोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों को घोटाला करने के लिए, अपनी तिजोरियों को भरने के लिए, जमीनों पर कब्जा करने के लिए सत्ता चाहिए। उन्होंने कहा कि माफिया को लूट की खुली छूट देने के लिए, आतंकवादियों पर मेहरबानी करने और उन्हें जेलों से रिहा करने के लिए सत्ता चाहिए, इसलिए जनता को इनसे दूर रहने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोहिया जी जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। साथियों, यूपी का गन्ना किसान नहीं भूल सकता है कि योगी जी के पहले की जो सरकार थी उसने कैसे गन्ना किसानों को पैसे के भुगतान में रुला दिया था, किस्तों में जो पैसा मिलता था उसमें भी महीनों का अंतर होता था। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को लेकर कैसे कैसे खेल होते थे, क्या क्या घोटाले किए जाते थे, इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के लोग अच्छी तरह परिचित है। साथियों, हमारी डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा करने में जुटी है, आपका जीवन आसान बनाने में जुटी है। भाइयों बहनों, आपको विरासत में जो मुसीबतें मिली है, हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसी मुसीबतें विरासत में आपके संतानों को देने की नौबत आए। हम ये बदलाव लाना चाहते, पहले की सरकारों के वो दिन भी देश ने देखे हैं जब अनाज होते हुए भी गरीबों को नहीं मिलता था। आज हमारी सरकार ने सरकारी गोदाम गरीबों के लिए खोल दिए हैं और योगी जी पूरी ताकत से हर घर अन्न पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इसका लाभ यूपी के लगभग 15 करोड़ लोगों को हो रहा है। हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को होली से आगे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथियों, पहले बिजली सप्लाई के मामले में यूपी के कुछ जिले वीआईपी थे, वीआईपी योगी जी ने यूपी के हर जिले को आज वीआईपी बनाकर बिजली पहुंचाने का काम किया। आज योगी जी की सरकार में हर गांव को बराबर और
भरपूर बिजली मिल रही है। पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था, आज माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है, इसलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास है। आपका ये आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।